जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको ये भाई से मिलवाते हैं, ये इधर भाई इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? शहजाद। शहजाद भाई बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, सुबह से लेकर शाम तक ये सारा मलबा नीचे फेंक रहे हैं, इतनी को मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ इनको काफ़ी देर से, रिलाइज जो है ना मैंने किया कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या वजह यार इतनी मजदूरी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? समझ लो कि इससे 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 अंडे तो कोई काम नहीं है ना, बस ये आखिरी है ना, आखिरी है। इंसान हद से ज़्यादा यही काम कर सकता है। ये देखिए यहाँ से बेचारा भर रहा है और ये सारा मलबा ये बेचारा लेके गया है। यार मुझे इतना देख के ना जो है ना आ रहा है कि मेहनत कर रहा है, जो देखो पसीनों पसीनी हुआ सर्दी में भी, सारी उसकी बेचारे की शर्ट पसीनों पसीनी हुई है। ये देखें सारा मलबा लेके गया और नीचे तीन मंजिल जाएगा, और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे कहाँ पर उसने रखा हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो देखें नीचे मल्ले की हड्डी, ये देखें ये सारा फेंक रहा है देख रहे। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो है ना आप सब दोस्त ख्याल करा करें ऐसे लोगों का, क्योंकि ये बेचारे मेहनत करते हैं, मेहनत करके जो है ना अपना सिस्टम चलाते हैं। इस वजह से जो है ना ये देखें आप फाइनली लुक आपको बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। बाकी आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज पप्पे भाई को बुलाया था और उन्होंने आके जो है ना सारा एस्टीमेट लगा लिया जाल जूल का भी, वो भी इंशाल्लाह एक दो दिनों में हमारा काम शुरू हो जाएगा। बस ये तो खारा था ख़त्म हो गया, अब इंशाल्लाह कबूतर हमारे फिट हैं जो रह गए हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको निकाला हुआ था तो अभी बंद कर दिया। खैर ये सारा फाइनल टच है, अब इंशाल्लाह कल से नीचे से भी प्लस्तर हो जाएगा। ऊपर के अब आपको अपडेट देता हूँ ऊपर क्या कर रहे हैं। ऊपर मेरा ख्याल है इन्होंने प्लस्तर कर दिया हुआ, तो अभी जाके दिखाते हैं आपको। इंशाल्लाह काम हमारा जो है ना काफ़ी हद तक हो गया है, अब जो है ना स्पीड काम की हो जाएगी क्योंकि चाल बन गई है। देखें माशाल्लाह सारा खूबसूरत काम हो गया है। ये लें जी, आज दो मिस्त्री और एक मजदूर, बल्कि दो मजदूर और दो मिस्त्री लगे हैं। एक ये मिस्त्री लगा हुआ, ये देखें माशाल्लाह जी इन्होंने अंदर से बाहर से सारा प्लस्तर कर दिया। ये जो है ना ये कारीगर बंदा आया, इसने कोई बात नहीं की हमसे फजूल किसी किस्म की, सिर्फ अपना काम किया और वो काम माशाल्लाह इनका नज़र आ रहा है। सुबह से सिर्फ इन्होंने ना इसी को पूरा नीट एंड क्लीन किया। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कैसा जबरदस्त प्लस्तर से कितना खूबसूरत और साफ सुथरा लग रहा है। छतें तो इनकी टीआर की प्लस्तर नहीं ना होती है ना, ये होती हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है ना करवाने की। ये देखें नीट एंड क्लीन माहौल है, ये देखें माशाल्लाह। ये आज वो काम कर रहा है और ये स्लो हुआ हुआ, अभी तक आपसे प्लस्तर नहीं हुआ क्या? नहीं आपका भाई है उसने कैसा प्लस्तर किया, क्या वजह यार आपसे क्यों नहीं इतना काम? वो देखें कितनी अच्छी उसने सफाई से काम की है। क्यों सवेरे को करेगा वजह? मेरी मर्जी नहीं, हले कर मेरा भरा है जो मसाला जाया होना उनका की बनेगा नदीम भाई। ये बातें गलत हैं, आप दो बंदे होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा, पता नहीं कब। अभी नीचे की गोद बांधो ना लागे, कल तो ये हो जाएगा कम्प्लीट। अभी ये वाला रह गया, वो देखें वो दोनों प्लस्तर हो गए अंदर से भी बाहर से भी। ये वो मैंने नहीं देने, आपके ठेकेदार ने देने भाई, मैंने कहाँ से देने पैसे, मैंने तो नहीं देने आपको। भाई जान ठेके में प्लस्तर आपका ही होता है ठेकेदार, सामान मुझे पता है किसको देना किसको नहीं देना। आप नीचे का काम अभी क्या बस खत्म हो गया आज का काम कंप्लीट? छुट्टी यार के लिए वो मटेरियल, क्या मटेरियल करना है ना नीचे से रेत लानी है तो लाना ही, कब लानी है? अब कल तुम 10 घंटे लगा ईट जुमे का छुट्टी कराना, मैं तेरी छुट्टी भरावा। हाँ जुमा पढ़ दे तू तो जुमे के टाइम तेन की घंटे वास्ते छुट्टी दे देंगे। किस वजह की छुट्टी है, की वजह की है? वैसे थकावट हुई थी पता नहीं, मैं पहुंचे उसी आते के पार तोड़े या प्लस्तर करा जो मजदूरों ने तानू अपना हो गई है या ठेकेदार ने कहना बंदा को बाहर ता ले आके दे देगा बस हटे तू। कोई गल नहीं पैसे जो देने दे, पर नीट एंड क्लीन दोस्तों हो गए हमारे, ये देख सकते हैं आप। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंतजार है किसी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाए काम। यार आप लोग ठीक है, मुझे जल्दी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, तुम्हें बताया भी है मैंने मेरा क्या इशू है क्या प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी जो है ना
काम हमारा। आपके कबूतर आ जाएंगे, क्यों परेशान? कबूतरों की तो बात ही नहीं मैंने की, अभी नीचे की गोवा बांधते तो कल नीचे शुरू हो जाते। अब दो मिस्त्री कल आएंगे कल भी, तो क्या ये सा करते रहेंगे? कल वो एक भी एक काफी है तो ये एक भाई का करेगा, माथा करेगा, तो माथे के लिए पहले गो भी तो बांधनी पड़ेगी ना। नीचे वाला जो सामान है वो ऊपर आना है, मलबा आना है, कल कच्चा नहीं करना। पता नहीं क्या करना है यार, आपको यार कल हाँ कल फर्श डालने हैं सारे, क्या हो गया? बाकी दोस्तों काम काफी है जो हमारा होने वाला हुआ, फर्श डालने हैं, सेंटरी का काम होना है। देखने में लगता है आपको छोटा छोटा काम है, लेकिन जब आप छोटा छोटा काम करवाते हैं आपको लग पता जाता है ये काम होता है कैसे और किस तरह किया जाता है और कितना खर्चा आता है इस पे। ये तो बस देखने की बातें हैं ना, अच्छा खासा जो है ना एक एक चीज़ पे जो है ना, आजकल तो पैसों के बगैर कोई भाई सलाम भी नहीं लेता। छोटी छोटी चीज़ों पर पाँच चार पाँच हज़ार रुपया तो अच्छे लगता है, कितना स्वाब का काम है पता भी लगता कब आया कब लग गया। तो अब यही सारी मामला था, इंशाल्लाह ये कर रहे हैं, अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ। बाकी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसने आज आज का दिन का काम बताऊं क्या किया इन्होंने, आज के दिन का काम सिर्फ एक ही अंदर वाला ये प्लास्टर किया है और ये वाला प्लास्टर किया है और ये तीन प्लास्टर किए हैं सिर्फ दो बंदों ने। हालांकि ये चारों हो सकते थे, लेकिन आप क्या कह सकते हैं इनको, ये चारों ही हो सकते थे आज सारे प्लास्टर, लेकिन इन्होंने तीन किए हैं। चलो ये भी गनीमत है, इन्होंने तीन कर ली हैं। तो कल से इंशाल्लाह कल से ना मैंने खुद ड्यूटी देनी है, आज बहुत हो गया, अब कल मैंने कल से अब वो शटरिंग खुल गई है हमारी, अब आपने ऐसे काम करना है, फुर्तियाँ मारनी है। कल सुबह सुबह भी गो का सामान जाके जो लेके आना मेरे साथ जाओ लेके आओ, कल ये सारी गो बांधो, कल माथा प्रस्ताव शुरू करो अल्लाह का नाम लेके। सीमड़ भी मौजूद है, रेत भी मौजूद है, इसकी कमी नहीं है, ऐसी है ना, नीचे बोरियाँ पड़ी हुई हैं, ऐसा ना हो कि आप कहें कि सामान नहीं है, एक तो आप बता के नहीं जाते। अरे भाई सीमड़ भी मौजूद है, मिट्टी भी मौजूद है, सिर्फ आपने गो बांधनी है, वो गो का सामान अभी फ्री हो गया ना आप, अभी टाइम है, आधा घंटा है पाँच बजने में, आप अभी जाके जाओ गो का सामान लेके आओ, ला के रखो सुबह, फिर आते साथ ही बांधना और प्लास्टर शुरू करना। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ तो यार नहीं। दो अज दो बंदे आए हो तुसी, भाई जान कल दो बंदे आएंगे, एक आएगा पानी राती ला दंगा और दस सारा सुबह सुबह मैं फजर तो बाद पानी ला दंगा दोबारा और दस काम करो यार तुसी पता नहीं की दोस्तों आप इनसे हाँ करो करो बिस्मिल्लाह करो मत अलग शुरू करो। लाइट लगी हुई है यार बासे मार, लाइट लगी ठेकेदार ने देखो ठेका ले ऐसी थोड़ी ले होया यार, लाइट लगी है पर आएगा ना ठेकेदार दादा पर आएगा तो फिर यार नदीम यार तू भी ढीला पै गया आज यार, नाम दे दो नाम दे दो, काम कोई है नहीं यार। भाई तुसी कल आ गया माथा प्लास्टर करना है ते थल्ले सामने गो ला के ना जी मेरे सामने जाके लेके आओ सामान ते अपना मेहरबानी दाड़ी काम शुरू करो। 50,000 रुपया वहां से लेने ने बड़ा सामान आना है, बहुत ज्यादा सामान, बड़ा सामान आना बहुत सारा ले दोस्तों ज्यादा दें, अभी इन्होंने सारे दिन में यही काम किया। मैं मुड़ जा, ओ खुदा कर देता अगला भी कर देता, हाले कुछ नहीं कीता यार, दस यार अधे घंटे दा मारेगा चंगा बंदा, एक कर लो फिर अधे घंटे दा ले आओ मिस्त्री, जड़ा अधे घंटे तनु कर देंदा है। मैं आप मिस्त्री हुंदा ना मैं तो कर भी देना सी, ते बना देने कड़ा औखा काम हैगा, सिरे चढ़ाने तेन साइड वाली गो ते पटा कर दी परला आ गली वाला की बा विकदी है किधर चला है थल्ले में चलला यार भाई करो करो मेरा वीर करो सवेरे काम नहीं चलाना। हां यार मसाला पोले भाई हुन भाई ने की किया सी भाई जी कल है सारा करेगा, कल एक बंदा हो रहेगा गो करेगा ओ छले मलबा चुकदा पिया सारा ठीक है, आडर हमी कोई नहीं होनी चाहिए, कल काम बस हुन फुर्तियां मारो, बहुत स्लो काम हो गया जेड़ा होना सी हो गया, जेड़ा वक्त गुजरने के गुजर गया ठीक है, कल तो फुर्तियां मारो मेरा भरा। नहीं दोस्तों ज़्यादा दें, आज जुमे रात का दिन था 16 नवंबर थी और ये काम किया ना जुमे रात ही किया, तेरा दिमाग ख़राब मेरा नहीं का, हाँ कल इंशाल्लाह इनसे काम करवाएंगे, अब सारा काम हमारा क्लियर हो गया, छत का काम करवाने के बाद फिर इंशाल्लाह इनको भेजें इनके घरों में। अब एक रस्तर ये देखें तीनों हो गया, सामने माथा रह गया और ये अंदर का हिस्सा रह गया और ये बनी रह गया, फिर ये फर्श रह जाएगा और हमारे बिड रह जाएंगे। पपे भाई को आज मैंने पपे भाई ये बिड शीट बनाते हैं उनको मैंने आज बुला के सारा नाप छाप दे दिया, और इंशाल्लाह कल नहीं परसों आएंगे, परसों से फिर हम अपना जाल जूल का भी सेटिंग सारी करें,
टाइम जो है ना बड़ा लगता है छोटे छोटे चीज़ों में, देखने में लगता है आपको यार काम हो नहीं रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, अब वो जो उन्होंने चाल चलनी है उस हिसाब से काम होना है ना दोस्तों।